नमस्ते, गुड इवनिंग। ओके फाइन, आज का ट्रेड अपडेट है। क्या किया हूँ वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये सारा वीडियो फुल देखना भाई। ओके ये प्रॉफिट से या लॉस से कोई मतलब नहीं है, ये तो होता रहता है। ओके हाँ, तो इसमें क्या है सीखना है, दैट इज़ वाई आपको सारे वीडियो देखना है। फाइन, मेरे वीडियो स्टूडेंट्स को तो देखना ही है, वो अलग बात है। हाँ फाइन, अभी क्या है, मान लो मैं बजाज ऑटो को ट्रेड किया था। इसका मतलब है बजाज ऑटो, मतलब मार्केट ओपन होते ही आज स्ट्रांग था, फिर भी मुझे बजाज ऑटो को शॉर्ट करना था। ओके निफ्टी 50 को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके निफ्टी 50 को, ओके मतलब आज भाई जाना था, मतलब आज का ओपनिंग बता दिया कि भाई मैं ऊपर जाऊँगा, नीचे नहीं गिरेगा। ओके अगर आप कल का स्ट्रक्चर देखते हो, ये हायर आई स्ट्रक्चर में है, मतलब हायर आई स्ट्रक्चर में है। ओके अगर मैं प्राइस का एनालिसिस करें, मतलब इधर से इधर तक गिरा था, इधर तक उठा था, अब मैं गिरा था ऐसे उठा था कल तक। ओके कल तक, ओके अगर मैं इसमें प्राइस एनालिसिस, 3P एनालिसिस बोलते हैं हम, प्राइस एनालिसिस, पोजीशन एनालिसिस एंड पार्टिसिपेशन, प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस एंड डिलीवरी एनालिसिस। इफ़ यू टेक अ प्राइस एनालिसिस हियर, ओके देयर इज नो नथिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी, जस्ट अ प्राइस एनालिसिस, मतलब ये ऐसे नीचे आके ऊपर के ऐसे 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 मतलब अपलेग में था प्राइस एनालिसिस। बाद में अगर आप देखते हो तो मतलब ऐसे गया था ऐसे ऊपर, मतलब ये तो अप ट्रेंड में है, ये तो अप ट्रेंड में है। जब अप ट्रेंड में था, आपको पता होना चाहिए कि भाई जब अप मतलब नीचे गिरा, अप ट्रेंड में जाते समय ये प्राइस लेवल था, इसको ये प्राइस लेवल को इसने ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश किया था। ओके अगर इसको ऊपर रहना है तो ये लेवल के ऊपर होना चाहिए। मान लो मेरा हाइपोथेसिस तो शॉर्ट था मार्केट में, मार्केट शॉर्ट होना चाहिए बोल के, मतलब कि उसका ऊपर, मतलब शॉर्ट मतलब मार्केट तो अपलेग में ही है। ओके शॉर्ट नहीं करना। अगर मुझे मिलता है, मतलब अगर इसके नीचे खुलता है, इट डेफिनेटली ये इधर तक आ जाता था, नहीं है भाई ऊपर खुला, वही लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। हाँ ये होता है। सो दिस वॉज अबाउट निफ्टी, अभी भी अपलेग में ही है। चलो मतलब ये लाइन इधर जाएगा, हाँ जो कुछ भी होना है इसके ऊपर ही, हाँ मतलब अपलेग में ही है, करना भाई है, सेल नहीं करना है। हाँ देखेंगे किधर शुरू होता है। लेकिन मैं जो बजाज ऑटो को शॉर्ट किया था, वो क्यों शॉर्ट किया था, मैं सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, इसको थोड़ा देखेंगे। फाइन अगर इसमें प्राइस एनालिसिस करें, मैं जो निफ्टी में किया वही चीज़ इधर करना है, प्राइस एनालिसिस, 3P एनालिसिस बोलता है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस एंड डिलीवरी एनालिसिस, इसको 3P बोलते हैं। उसमें एक P है प्राइस। अगर प्राइस को एनालिसिस करें, ये कैंडल में ऊपर गया था, बाद में अगर हम जिगजैग डालते तो ये इधर से इधर तक गिरा था, बाद में इधर से इधर तक उठा था, बाद में ये इधर तक कल गिरा था। इसका कितना, इसका हाई है 51.55, मतलब ए वाला है। ओके हायर आई मतलब ऐसे गिरा था, कल ये हाई वॉलेटाइल कैंडल था, कल ये हाई वॉलेटाइल, कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट ट्रेंड में जाता है। ओके फाइन, इसको क्यों सेल किया। ओके हम वही बात किए भाई, अगर मान लो मतलब ये नीचे से ऊपर जाते समय ये प्राइस लेवल में फंसा था, प्राइस लेवल में फंसा था, बाद में इसको इसने अपसेट ब्रेक किया था। अगर गिरना है तो प्राइस को इस मतलब ऊपर होना है तो प्राइस को ए लेवल के ऊपर होना चाहिए ना, अगर ए लेवल को एक्सेप्ट नहीं करता डेफिनेटली ए लेवल तक आना चाहिए। हाँ मेरा टारगेट तो यही था, 4820 वाज माय टारगेट, उसके लिए मैं इसको शॉर्ट किया था। लेकिन वो निफ्टी ऑटो ने कंफर्म नहीं किया, मतलब स्ट्रांग ही रहा होल डे, वो कारण से ये इधर तक नहीं आया। फाइन नो प्रॉब्लम, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया। ओके फाइन, अभी तो मुझे तो शॉर्ट करना है 4913 से, तो देखेंगे क्या क्या होता है। फाइन अभी इसको बोलते हैं माइक्रो एनालिसिस, इसका मतलब है मुझे तो इधर शॉर्ट करना था, नहीं है भाई इधर खुला, बाद में मतलब इधर क्लोज हुआ था, नीचे आया, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। फाइन मुझे तो इधर ही करना है। नाउ लेट अस सी दिस, ये क्या हुआ, मैं सारे लेवल्स को हटा रहा हूँ भाई। ये कैंडल जो है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। ओके इसको हटा देते हैं, अगर इसका ट्रेंड देते हैं, रिकॉग्नाइज ट्रेंड करना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। ओके मतलब ये दिन में जो ट्रेंड में आया था, इसका हाईएस्ट वॉल्यूम इधर ही आया था, मतलब ए ही लेवल है। चलो इसका ओपनिंग स्ट्रांग हुआ, करेक्ट, इसका मतलब है इसका ओपनिंग आज स्ट्रांग हुआ। कल इसने क्या किया था, इसने मतलब
वीक ओपनिंग दिया था, आज स्ट्रांग ओपनिंग हो रहा है। ओके फाइन, अगर स्ट्रांग ओपनिंग हो रहा है, अगर हम इसमें देखते हैं डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रांग ओपनिंग हो रहा है, तो मुझे तो 4913 से शॉर्ट करना है। लेकिन जब ये नीचे गिरा था, मतलब वीक क्लोज हुआ था, इसमें शॉर्ट्स बना होंगे, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, ये देखो 110, 115, 120 का, ये तीन कैंडल में इसमें शॉर्ट्स बनाया गया था। इसका मतलब है, मैं ये लेवल को हटा देता हूँ, वो तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ए वाला, इसका जो हाई है इधर से इधर तक, इसमें शॉर्ट बनाया गया था। ओके, अगर इतना ये स्ट्रांग है, ये क्या करना चाहिए था, इसके ऊपर ये खुलना चाहिए था, इसके ऊपर खुल के मतलब इसी को सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहिए, नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ये तो नीचे गिरा। मुझे इधर देखना पड़ेगा कि भाई रिएक्शन क्या आता है। ओके, ये लेवल पे अभी हम देखते हैं, कन्फर्मेशन देखते हैं। अगर मान लो ये इधर तक नीचे आया, ऊपर जाने लगा, मतलब इसको ट्रेंड कन्फर्मेशन बोलते हैं, मतलब ऐसे नीचे आया इधर तक, अभी उठ रहा है, फाइन। अगर मान लो उसको ऊपर जाना है, ये क्या करेगा, इंटर एक नया हाई बना देगा, इसका मतलब है इसके ऊपर प्राइस जाके बाद में ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं है। इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये ऊपर जाते वक्त, इसमें ऊपर जाते वक्त अगर आप देखते हो तो इधर, मैं सारा लेवल को हटा देता हूँ, उसका कोई ये नहीं है मेरे ट्रेडिंग में। ओके, नाउ इधर आपको मिला एक रेजिस्टेंस। ओके, इधर एक आपको एक रेजिस्टेंस मिला। ओके फाइन, अगर इसका मतलब है तो ऊपर जाना चाहिए था, एक रेजिस्टेंस मिला तो इसको तोड़ के ऊपर गया तो इधर से बाई हो सकता था, नहीं है, मुझे तो शॉर्ट करना है, एक रेजिस्टेंस मिला। फाइन, अभी किधर से एंट्री करें, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, किसका, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग 94.95। ओके, ये इसका ओपनिंग प्राइस है। देखो भाई क्या होता है, अगर अगर ये ऊपर जाना है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ये जो मतलब इंटरडे का हाई बना देगा, उधर से ऊपर जाने का, मेरा एंट्री तो शॉर्ट था, ये जो ओपन प्राइस है मैं उसको शॉर्ट कर दिया। इसका कन्फर्मेशन कब हुआ भाई, देखो ये क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ना, एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेक किया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मान लो उसका लोड टूट जाता है, ओके, उसका मतलब है इसका मौत आ गया, आज ऊपर नहीं जा सकता, इधर तो शॉर्ट होना शुरू हो गया भाई, ये नीचे गिरना चाहिए। मेरा टारगेट तो ये जो लोअर लो किया था मैक्रो में, मैं अभी दिखाया ये लेवल था। ओके, 4821 के लिए मैं इसी का टारगेट लगा के छोड़ दिया था, लेकिन मार्केट में स्क्वेयर ऑफ हो गया, मतलब 1:3 है, 1000 रुपीज़ का रिस्क में किया तो इतना ही मिला, दैट इज़ फाइन। कितना मिलता है हमें पता नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस बचना चाहिए। ओके फाइन, ये मतलब ये था, बाद में इसमें कन्फर्मेशन अगर हम देखते हैं, वेड यू टेक द कन्फर्मेशन, यू टेक अ कन्फर्मेशन फ्रॉम ऑटो। अगर मान लो बजाज ऑटो को मुझे अगर सेल करना है, क्या मैं सेल कर सकता था, येस आई कुड हैव सोल्ड इट, हाउ, अगर मतलब ये क्या हुआ, कल तक हायर हाई स्ट्रक्चर में था, परसों तक, कल इसने हाई वोलेटाइल कैंडल बना था, इसका मतलब है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, अभी भी इसका ट्रेंड अप ही है, डाउन नहीं है, लेकिन इसका जो ओपनिंग, ये जो ट्रेंडिंग कैंडल था, मतलब जब ओपन हुआ ये लोअर लो बना दिया, लोअर लो बना दिया, मतलब आज का जो भी स्ट्रक्चर है, ये कैंडल को मुझे इग्नोर करना क्योंकि दिस इज़ नॉट इन ट्रेंड, ये लोअर लो बना दिया। ओके, मैं ये लेवल को हटा, मतलब उधर आता हूँ मैं अभी, इसका मतलब है इसने ओपनिंग करते सेकंड कैंडल में लोअर लो में बना दिया, इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर लोअर लो में आ गया। अगर मुझे बजाज ऑटो को शॉर्ट करना है तो आई कैन शॉर्ट इट नाउ। जब शॉर्ट करते समय क्या इसका ओपन प्राइस के नीचे है प्राइस, इसका मतलब है वीक है, तो आई कैन टेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर एंड वेर एवर, मतलब इंटरडे का जो हाई है वो स्टॉप लॉस है। इनफैक्ट मेरा एंट्री था इधर, स्टॉप लॉस ए वाला था, इसके ऊपर ये नीचे करना चाहिए। मेरा टारगेट तो 30 पे था, नो प्रॉब्लम, जो मिला मिला। ओके, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, हाँ फाइन, ऑप्शन ट्रेड करना था मुझे, मतलब इसमें अच्छा खासा एक ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि एक ब्रेकिंग से लेवल है, अभी कर सकते हैं, अगर अभी नेक्स्ट डे है, कल आई कैन ट्रेड, मतलब अभी नहीं है, आज अच्छा खासा ये मिला था, कंफर्मेशन भी होता है, मतलब उसमें माइक में छोड़ दो अभी, नो प्रॉब्लम,
मैं किसे, हाँ ये था। अगर आप देखते हो वेयर वॉज माई एंट्री ऑर्डर, ओके बजाज ऑटो को इसका एंट्री जो है ओपन प्राइस जो है 4895.95 इज द ओपन एंट्री, तो मैं 95 पैसे नीचे रखा था, तो फाइन नो प्रॉब्लम ओके। बाद में बज इसका जो भी टारगेट है 4821 पे रखा था, नहीं है, ये क्या हुआ, उसका जो भी प्राइस है कितने में ख़त्म हो गया, एक इसमें ख़त्म हो गया, मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ ये लेवल पे हो गया ओके। जो मिला उतना ही मिला, तो ये आज का ट्रेंड है भाई। हाँ तो मिलेंगे मंडे, मतलब ऐसा नहीं है भाई हर एक दिन प्रॉफिट ही होगा, हाँ लॉस तो कभी नहीं होगा। लॉस और स्टॉप लॉस में फ़र्क है, स्टॉप लॉस हो सकता है अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग है, मेरा स्टॉप लॉस उठ जाता है, मतलब 1000 रुपीज़ जाएगा, उतना ही, मेरा ज़िंदगी नहीं जाएगा। हाँ ये क्या है, मार्केट क्या होता है, हमारा जो नॉलेज है और मार्केट के साथ फाइट है। हाँ मतलब जो ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग क्या डेफिनेशन क्या है, मैं बोलता हूँ भाई फाइटिंग है। फाइटिंग कैसे, मेरा नॉलेज और मार्केट से फाइटिंग है। हाँ तो अगर नॉलेज बढ़ता है तो आराम से आप यू कैन फाइट द मार्केट ओके। अगर हार गए तो हार गए भाई, एक ट्रेड तो अभी ज़िंदगी भर ट्रेड करना है, हाँ एक दिन में नहीं है ना। चलो ये होता है, ये आज का ट्रेड था। बाद में और एक चीज़ है भाई, इसको भी आप नोटिस करना, मतलब ये मेरा इंपॉर्टेंट, मतलब ये टारगेट था मेरा ओके। नाउ ये क्या होता है, ये मिल जाता था, ये मिल जाता था, लेकिन वो मतलब उसका सेक्टर ने लो के नीचे ट्रेड होना चाहिए था। कल का जो लो है समय है, इसका जो लो है इसके नीचे ट्रेड हो हुआ होता ओके, डेफिनेटली वुड हैव कम टू दैट लेवल, नहीं है नो प्रॉब्लम, वो तो नहीं हुआ, नहीं तो क्या होगा, ये जब नीचे गिरा था ना 7th का, आपका कैंडल्स में इसको देखना, जब नीचे गिरा था इसका कैंडल, इंपॉर्टेंट कैंडल तो ये वाला है ओके। बाद में जब ये नीचे गिरा था ओके, अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई निफ्टी मतलब सेक्टर ने सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है क्या होगा, जब वो नीचे गिरा था ना, जो लो बनने से ठीक पहले, हाँ जो लो बनने से ठीक पहले कोई ना कोई एक सपोर्ट को बनाया होगा भाई, ये वाला, ओ सॉरी दिस इज नॉट इन ट्रेंड, ये सपोर्ट को तोड़ के, मतलब ये जो सपोर्ट को फॉर्म करके नीचे गिरा था, मतलब इधर प्राइस अटक जाता है ओके। ये मतलब इसे ट्रेडों में है, प्राइस इधर अटक जाता है, अगर आप देखते हो तो एग्जैक्ट वही लेवल था कि भाई अटैकने का। हाँ अगर मान लो इसको सीमलेसली ब्रेक किया होता, मतलब उधर तक आता था, अगर इसको ब्रेक करना है तो साथ देना पड़ेगा, निफ्टी तो अप ट्रेंड में है तो कैसे गिरेगा भाई, चलो मिलेगा, मतलब स्टॉप लॉस तो बचना चाहिए ओके। हाँ इसको और एक तरीका भी अब एनालिसिस कर सकते हैं कैसे है, मतलब ये लो को नहीं तोड़ेगा बोल के, मतलब उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, थोड़ा देखना, लंबी हो रहा है तो होने दो नो प्रॉब्लम। देखो इसमें कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कल का जो भी कैंडल हुआ था ना, कल का जो भी कैंडल हुआ था, इसका मतलब है इधर सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है ओके। नाउ कल का जो भी कैंडल है, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश किया, नहीं हो पाया, सपोर्ट भी नहीं तोड़ा है, सपोर्ट भी ये नहीं तोड़ा है, क्या आज तोड़ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है ओके। नाउ इफ दैट इज द केस, मैं बजाज ऑटो को लेता हूँ, बजाज ऑटो में क्या कल क्या हुआ था, कल मतलब इसने तो सपोर्ट तोड़ा है, समझ रहे हो ना, सपोर्ट तोड़ा है करेक्ट, सपोर्ट को तोड़ा है, मतलब अगर आप देखते हो इसका क्लोजिंग इसके नीचे है, सपोर्ट को तोड़ा है, निफ्टी ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। अगर ऑटो को भी देखते हो, दिस इज कॉल्ड 3G एनालिसिस ओके ना, अगर ऑटो को भी देखते हो तो इसका जो सपोर्ट है इसने इसको तोड़ा है। अगर मान लो आज बजाज ऑटो को शार्प फॉल होना चाहिए था, ऑटो का ओपनिंग इसके नीचे होना चाहिए था, ये जो लेवल है इसके नीचे होना चाहिए था, नहीं है, अंदर ही खुला, ये अभी देखेंगे कि भाई मंडे खुलेगा तो नीचे गिरेगा नहीं तो ऊपर जाना है ना। अभी निफ्टी लो सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, डेफिनेटली ये जो ऑटो है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ये सपोर्ट को अगर आप देखते हो, मतलब होता है वो क्या होता है, कल का जो लो है उधर आके अटक जाता है, वही लेवल पे आके ये किया है, देखेंगे। अगर मान लो निफ्टी ऑटो मतलब शायद लो ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि हाईज ब्रेक कर रहा है, निफ्टी आज क्या किया है, नो निफ्टी हैज ब्रोकन द हाई राइट। अगर मान लो इसके ऊपर बोलता है, ये तो गया ऊपर, हाँ मतलब एक दिन के लिए भाई, कितना ऊपर जाएगा किसको पता है, हाँ मतलब लाइफ टाइम हाई पे है ना, हमें पता नहीं है ना सर। तो अगर ऐसा बजाज ऑटो इधर से ब्रेकआउट होके जो भी लेवल है इसको ब्रेक कर देता है, मंडे देखेंगे। हाँ चलो भाई मिलते हैं, वो कैसा है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, मंडे मिलेंगे।